चक चौक से लगातार ये सबसे बड़ी कवरेज जारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों ही पक्षों में तीखी बहस जारी है, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज जो कुछ बोला उसका जवाब स्मृति ईरानी ने दिया। हालांकि राहुल गांधी के आचरण को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर जरूर बवाल मचा हुआ है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, राहुल गांधी जब बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी आज सुबह से कह रही है कि रीलॉन्चिंग के बाद अब रीपैकेजिंग की तैयारी है, शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या किया है क्या नहीं किया है। प्राथमिकता आपकी मणिपुर थी, लेकिन पहले आपने ये बताया कि आपने देश के लिए क्या क्या किया, आप देश में देश की आवाज बनने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो क्या ये इतनी भर चिंता थी मणिपुर की? कितनी डरी हुई, मैंने पहले भी कहा, आप चूंकि दोबारा पूछे तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। सदन में 37 मिनट राहुल जी बोले, मात्र 14 मिनट उनके भाषण को लाइव दिखाया गया, कैमरा राहुल जी पे था। क्यों इतना डर किस बात का है? पहले राहुल जी बोलते थे तो उनकी बात को म्यूट, आवाज को म्यूट कर दिया जाता, उनकी बात को स्पंज कर दिया जाता था, अब कैमरा ही घुमा दिया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो ये अविश्वास प्रस्ताव आया है वो इसीलिए आया है ना कि ये सरकार अलोकतांत्रिक है, इसका रवैया अलोकतांत्रिक है, ये देश में सिर्फ दंगा फसाद को समर्थन देती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम कराती है। आदरणीय नेता सदन मोदी जी कहाँ है दो दिन से? कोई ढूंढ के लाएगा? कोई जरा पता करेगा कि साहब कहाँ हैं? ये मेरा सवाल नहीं था। देखिए, मैं जो सवाल कर रही हूँ उसके जवाब में अगर आप गोल गोल घुमाएंगे तो दर्शक क्या समझ पाएंगे? आपके सवाल का जवाब दे चुका, फिर दे रहा हूँ। ये इसी के लिए ये बहस हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव कि दिन भर बोलने वाला, दिन भर टीवी पर देखने वाला वो व्यक्ति सदन में आने का साहस क्यों नहीं जुटा पाता है? सदन में राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी की स्पीच पर आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही। अखिलेश जी देखिए, आप मैं जिस मुद्दे पर आपसे जवाब जानना चाह रही हूँ, अगर आप उस पर जवाब नहीं देंगे तो मैं तो आपको बीच में बोलूंगी ना कि राहुल गांधी पहले तो 15 मिनट यही बताते रहे कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मणिपुर पर बोले तीखा, बोले तीखा हमला किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तुलना रावण से कर दी, ये ठीक है? आपने समझ लिया? उन्होंने नाम तो लिया नहीं, धन्य है आप, क्योंकि आप इशारा समझते हैं कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। आपके विवेक को और इंडिया टीवी के विवेक को पहले मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे विवेक और इंडिया टीवी के विवेक को आप छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के विवेक के बारे में जानकारी दीजिए ना। वही बता, राहुल गांधी का विवेक उस टाइम क्या कह रहा था? बोल लीजिए मेरे तरफ से, राहुल गांधी का विवेक उस वक्त क्या कर बता रहा हूँ। आपके लिखे के हिसाब से मिला, पढ़ने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, मैं अपने लिखे के हिसाब से आपको बुलवा भी नहीं रहा। सुनिए सुनिए, सुनने का यही है बीजेपी और आप लोगों की प्रॉब्लम, सुनते नहीं है। सुनिए, उन्होंने एक बताया कि उसका अहंकार हारा, आधी जानकारी जानते हैं क्योंकि राम भक्त तो है नहीं है, लोग ये लोग तो सब जो है नाथू राम भक्त हैं, राम भक्त होते तो राम की कहानी जानते। उन्होंने कहा अहंकार हारा, अहंकारी दोनों बातों में, तो आपको अहंकार त्यागना होगा, ठीक है? अहंकार त्याग करके सदन में आना होगा, सदन में आकर लोगों की बात सुननी होगी। आप दोनों सदन के नेता हैं, आप है। दोनों पक्ष विपक्ष के सदन के नेता हैं, आप सिर्फ भाजपा और आरएसएस के विवेक और मेरे चैनल के विवेक पर जरूर हमलावर हो गए, लेकिन ये जो संदेश राहुल गांधी ने दिया ये सबके समझ में आया। अभी शहजाद जी के क्या समझ में आया ये भी जान लेती हूँ। लगातार चर्चा जारी है, दो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। राहुल गांधी ने आज अटैक किया, जवाब स्मृति ईरानी की तरफ से दिया गया। शहजाद पूनावाला जी, आज जब से राहुल गांधी बोले हैं, स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है, तभी से कांग्रेस ही कह रही है कि डर गई है भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी के तीखे सवालों का सामना करने की आप लोगों के पास हिम्मत नहीं है, इसलिए बेवजह के मुद्दे आप लोग लेकर आ रहे हैं, आप जवाब नहीं देते हिंसा पर। देखिए, मुझे तो पहले कंफ्यूजन लगता है कांग्रेस में, कभी कांग्रेस कहती है मोदी जी डरा रहे हैं, मोदी जी डराओ मत, एजेंसी के साथ डराते हो आप सबको, आज कह रहे हैं मोदी जी डर गए। पहले तय तो कर लो कि मोदी जी डरे हुए हैं या मोदी जी डरा रहे हैं, दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं? और देखिए, विवेक में तो हमारे भाई की भी कोई कमी नहीं है। अब मोदी जी ने सुबह क्या बोला, डायनेस्टी क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टिकरण क्विट इंडिया। अखिलेश जी इतना पर्सनली ले गए, कांग्रेस इतना पर्सनली ले गई कि सुबह से मुंह फुलाकर बैठी हुई है। अरे, हमने डायनेस्टी, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण को बोला, तो आप मानते हैं ना कि आप है? देखिए, समझदार को इशारा ही काफी होता है। और तीसरी बात मैं देखिए पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अभी बात की कि दंगों की, तो दंगे बता दीजिए मान्यवर, 84 का नरसंहार किसने किया, ये कौन जिम्मेदार था? जगदीश टाइटलर तो चार्जशीट हुए हैं, सज्जन कुमार कन्विक्ट हुए, जब हमारी सरकार आई तब कन्विक्ट हुए, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव, दिल्ली, ये सारे दंगे किसकी उपज थी? जो 92-93 में मणिपुर में दंगा हुआ वो किसकी उपज थी?
जो 2011 में हुआ वो किसकी उपज थी, जो उसके बाद 97 में हुआ 352 लोग मारे गए वो किसकी उपज थी, उस पर एक को जवाब नहीं देना है। अब देखिए बोलते बोलते कश्मीर पर डिबेट चली गई है, फारूक अब्दुल्ला कश्मीर पर आ गए, 370 क्यों हटाया गया। अरे हमने तो ये कहा कि महिलाओं के बारे में कौन मान रहा है, हम तो ये कह रहे हैं ना, मणिपुर की बेटी के साथ हुआ तो प्रधानमंत्री बोले, हम बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता बोला, पर गिरिजा टिक्कू उसके बारे में आज तक किसने बोला जब इस्लामिक जिहादियों ने उसके साथ ये किया, मुझे बताइए भिलवाड़ा की वो बच्ची के बारे में आज तक किसने बोला। और राजेंद्र गुड़ा बोलते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, दिव्या मदेरणा बोलती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, उनकी एमएलए तो उनको हटा दिया जाता है। बताइए ना कि अगर महिलाओं के बारे में बोलना ये पैमाना है तो राजस्थान पर, मालदा पर, गिरिजा टिक्कू पर कहां बोला। मेरा सवाल ले लीजिए, मैं आपकी सारी बात को मान रही हूँ, आप जितने मुद्दे उठा रहे हैं वो सब गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जिस मुद्दे को लेकर आया पहले आप उस बारे में बात करेंगे ना, मणिपुर पर आप लोग बात नहीं करते, मणिपुर पर 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा ज्यादा 5 मिनट आप लोग बोलकर, उसके बाद कश्मीर की भी जिक्र कर लेंगे, राजस्थान की भी कर लेंगे करेंगे, लेकिन पहले ये तो बताइए असम आपने क्या कुछ किया है। एक सेकंड, अभी आपने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के विषय को शुद्ध रूप से लाया गया है, ये आपका स्टेटमेंट है, ये कांग्रेस का भी स्टेटमेंट है। 37 मिनट की स्पीच पे पहले 15 मिनट राहुल गांधी किस पर बोले, टीआर बालू किस पर बोले, डिंपल यादव किस पर बोली, सुप्रिया सुले किस पर बोली, फारूक अब्दुल्ला किस पर बोले। फारूक अब्दुल्ला का अभी स्पीच इंडिया टीवी दिखा रहा था ना, फारूक अब्दुल्ला ने लगभग 15 मिनट बोला, उसमें से कितनी देर मणिपुर पर बोला, इसीलिए मैं कह रहा हूं मणिपुर विषय नहीं, मणिपुर विषय होता ना प्राची जी, एक बात समझ लीजिए, 9-10 दिन तक इनका क्या स्टैंड था मणिपुर पर, पीएम बोले वरना कोई सदस्य संसद में कार्यवाही नहीं चलेगी, दिल्ली सर्विसेज बिल पर कैसे स्टैंड चेंज हो गया। अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या आप लोग भटक गए हैं, आप लोग अविश्वास प्रस्ताव जिस वजह से लेकर आए, आपने देश के सामने ये बताने की कोशिश की कि आप लोगों को मणिपुर पर चर्चा चाहिए, लेकिन आज ही की स्पीच में उठा लूं शुरू के 10-15 मिनट मणिपुर का जिक्र करना ही भूल गए राहुल गांधी, उसके बाद वो मणिपुर पर आ रहे हैं, तो कैसे माने कि आप बिल्कुल गंभीर थे। आप तय करेंगे क्या कि कितने मिनट में कब मणिपुर का जिक्र किया जाए, पूरे देश के लिए अविश्वास प्रस्ताव है, हम मणिपुर पे सिर्फ राज्यसभा में स्थगन पे बात कर रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, अविश्वास प्रस्ताव में देश में जहां जहां भी सरकार विफल है उस पे चर्चा होगी। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम हो रहा है, वहां हमारी सेना पे असम राइफल में मुकदमे लिखा रही है मणिपुर की सरकार, क्योंकि वो वहां के नागरिकों की रक्षा कर रही है, इनके नरसंहार को असम राइफल रोक दे रही है, इनके मंसूबों को वो फलीभूत नहीं होने दे रही है, तो इनकी जो डबल इंजन की सरकार है, जो भ्रष्टाचारी आतंकी लोगों को संरक्षण देती है और ये कृत करवाती है, वो फिर मणिपुर पुलिस पे ही मुकदमा लिखा रही है। गजब की सरकार है, दोनों जगह इन्हीं की सरकार है, लेकिन मुकदमे उनको दे, इसी तरह कश्मीर में भी थी, सेना पे मुकदमे लिखा रहे थे, याद है आपको जब इनकी सरकार थी, ठीक है, सेना पत्थरबाजों के मुकदमे वापस ले जाते, बलात्कार, बलात्कार, मैं बीच में बोलूंगी ना फिर आप कहते हैं कि आप बोलने नहीं देती, मेरा एक सवाल ले लीजिए, आपने कहा कि आप तय करेंगी कि किसको कितने मिनट किस पर बोलना है, सर मैं तय नहीं करूंगी, मैं तो आपके मुताबिक बोल रही थी, आप ही लोग पूरे देश के सामने ये कह रहे थे ना कि अविश्वास प्रस्ताव हम मजबूरी में लेकर आए क्योंकि हमें पीएम को सदन में मणिपुर पर बुलवाना था, तो मैं तो यही समझूंगी कि आप मणिपुर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद बाकी मसलों पर चर्चा करेंगे। तो किया तो मणिपुर पर चर्चा, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, घिनौनी गंदी हरकतों पे उतर आए कि जवाब ना देना पड़े, क्योंकि कोई जवाब नहीं है, कठौता दुराचार से लेकर के दिल्ली यूपी महिला पहलवानों से लेकर के पूरे देश में आसाम तक मध्य प्रदेश से लगाया जहां जहां इनकी सरकारें हैं, ठीक, बीजेपी किसके साथ खड़ी है, किसके किन दुराचारियों का मुकदमे बीजेपी उठा रही है, ये बताएंगे। भ्रष्टाचार और दुराचार पे, इनके लिए तो भ्रष्टाचार और दुराचार शिष्टाचार बन चुका है, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं और उनको तुरंत मंत्री फिर पहुंच गए मणिपुर पर, 2 मिनट आप ही बोल देते, मैं तो ये उम्मीद कर रही थी, मैंने तो बताया मिनट बाद आपके नेता आए, कम से कम आप ही शुरुआत मणिपुर से कर देते, आप ध्यान से सुनी नहीं, मैंने तो कहा कि मणिपुर में स्टेट स्पॉन्सर, मैं जितने ध्यान से सुन रही हूं इसलिए मैं कोट करके बता पा रही हूं,
मैं रिपीट कर दे रहा हूँ याद दिला रहा हूँ। जब आप मुझे झूठा कहेंगे तो मुझे प्रूफ करने दीजिए। नहीं नहीं मैं झूठा नहीं, मैंने आपको शुरू में कहा, अब इतने देर में अपनी बात रख देता। मैंने कहा कि मणिपुर में स्टेट स्पॉन्सर क्राइम कर रही है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, और वहाँ पे आसाम राइफल उसको रोक रही है, रोकने में कुछ प्रयास कर रही है। वहाँ की सरकार आसाम राइफल में मुकदमा लिखा रही है। कितने गंभीर नहीं है इसका जवाब अभी शहजाद जी मुझे देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। विजय चौक से लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर किसने किस पर कितने आरोप लगाए, राहुल गांधी के बयान के बाद क्यों बवाल मचा हुआ है, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो आपकी सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम की वजह से हो रहा है, आज राहुल गांधी भी सदन में कह रहे थे कि हमारी सेना इतनी सक्षम है कि एक दिन में ही इस हिंसा को खत्म कर सकती है, हालात को कंट्रोल कर सकती है, तो क्यों नहीं हो पाए? हाँ, तो ये राहुल गांधी जी को बताना चाहिए था कि सेना तो 93 में भी थी, 2011 और 97 में भी थी, तो उस समय तो एक साल से ज्यादा 97 का दंगा चला था, आपको पता है, जून 97 से सितंबर 98 तक। सोचिए क्यों नहीं करवाया, अभी सब ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा अविश्वास प्रस्ताव में सारी चर्चा हो सकती है, स्टेट प्रोटेक्टेड वायलेंस ये होता है जब दिव्या मदेरणा कहती है 3 साल से महेश जोशी के बेटे पर FIR नहीं हो रही बलात्कार की, छोटी सी बच्ची का बलात्कार किया था। बोलिए अखिलेश जी क्या मजबूरी है कि नहीं हो पा रही है? स्टेट प्रोटेक्शन तब होता है जब एक मुख्यमंत्री खड़े होकर कहता है 50% रेप केसेस आर फेक, तो बताइए ना, अब चर्चा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में सब किसकी होगी, तो बताइए नहीं। आप गिरजा टिक्कू पर शांत हो जाते हैं, आप भिलवाड़ा पर शांत हो जाते हैं, मालदा पर शांत हो जाते हैं, और फ्लाइंग किस करते हैं, और फ्लाइंग किस करते हैं महिला सांसदों को, फ्लाइंग किस करते हैं? यही आपका आचरण है, ये प्रभु श्री राम का नहीं, ये रावण वाली मानसिकता का आचरण है। आसाम में ISI के कंप्लीट करने जा रहे हैं, ISI के चीफ को आप इंडिया बुला रहे हैं। अखिलेश जी जवाब आने दीजिए, इतना प्यार क्यों अखिलेश जी, रुकिए ना, फिर देखिए समय चला जाएगा, आप फिर कहेंगे जवाब देते नहीं है, जवाब सुन तो लीजिए। अभी अखिलेश जी ने देखिए प्राची जी, ये उनका तरीका यही है, ये इसी प्रकार जो एजेंट पकड़ा जा रहा है गद्दार वो कैनवस के अच्छा मैं जवाब ले लूं अब दीजिए जवाब। अब आपका काम सिर्फ सवाल करना ही है, सवाल करके सियासत करना है तो ऐसा नहीं होगा ना, आप अपनी बारी पर जवाब देते हैं। बोलिए जो एजेंट पकड़े गए हैं, प्राची जी केवल एक सवाल है, देखिए वो मेरे बीच में बोलते रहे, मुझे पता है उनकी फितरत हरकत सारी चीजें पता है। देखिए ऐसा है, मैं तो केवल एक चीज, उन्होंने कहा ना अविश्वास प्रस्ताव में सारे देश के मुद्दे आते हैं, ये राजस्थान की बेटी दिव्या मदेरणा आपकी विधायक कह रही है 3 साल से FIR नहीं हुई, आप बताइए उठाओ ना, जवाब मिलेगा, उठाया राजस्थान के मंत्री ने, उठाया उसको भाग कर दिया, राजस्थान के मंत्री ने जो विषय उठाया तो राजस्थान के मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर दिया, दिव्या मदेरणा को कहा धमकी से चुप हो जाओ, अरेस्ट हो चुका, तुमको कोई जानकारी नहीं, रोहित जोशी, रोहित जोशी के ऊपर राजस्थान में FIR नहीं हुई है, नहीं हुई है, क्या झूठ बोले जा रहे हैं, ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, उनके ऊपर कोई FIR राजस्थान में नहीं हुई है, क्या झूठ बोले जा रहे हैं मानव? शांति धारीवाल पर बोल रहे, महिलाओं पर आप लोग बहुत संवेदनशील है, आप रुकिए ना अखिलेश, आप सुनते नहीं है, यही दिक्कत है सर, आप महिलाओं पर इतने संवेदनशील हैं तो शांति धारीवाल पर भी बोल दीजिए, जो खड़े होकर सदन में कहते हैं कि इस वजह से रेप हो रहे हैं, चूंकि ये पुरुष प्रधान राज्य है, ऐसे सोच वाले मंत्री को कैबिनेट में शामिल करना अच्छी बात है। यहाँ जितने दुराचारी बलात्कारियों को आप अपने संरक्षण में रखते हो, कठोरता में कौन कौन लोग उन बलात्कारियों के साथ निकला था? शांति धारीवाल पर नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के दागे आपको नजर आ जाएंगे, एक एक करके। अरे शांति धारीवाल पर बोल दीजिए ना दो शब्द, सब कोई नहीं बचा है, सब पे कार्रवाई हुई, कब होगी, कब होगी, मिनिस्टर है, नहीं हुई है अखिलेश जी, जानकारी दुरुस्त करिए, वो अभी भी मिनिस्टर है, दुरुस्त करिए, वहाँ पे नंगा नाच मचा है मणिपुर में, मणिपुर पर तो वो जवाब देंगे ना, लेकिन मैं राजस्थान पर भी आंख बंद नहीं कर लूंगी ना, आप कितने संवेदनशील है, कोई डिफेंड की बात नहीं है, आप महिलाओं पर बात करेंगे तो मैं बात राजस्थान की भी बात करूंगी, मैं मणिपुर पर भी बात करूंगी, आप जवाब सुनना चाहते हैं, जवाब सुनना चाहते हैं, जवाब सुनना चाहते हैं, 2 मिनट के लिए उनको समय दे दीजिए, मणिपुर में क्या नहीं हो रहा है, मणिपुर पर क्या हो रहा है, मणिपुर पर क्यों इतनी खामोशी, या क्यों इतना सस्पेंस, मणिपुर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए मोदी जी मणिपुर, क्यों नहीं गए अपने मित्रों के लिए, अब रुक जाइए, डील करने दुनिया भर घूम सकते हैं, यही दिक्कत है, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे लेकिन मणिपुर पर जब कोई जवाब देगा तो जवाब सुनना नहीं चाहेंगे, जवाब दीजिए, क्यों नहीं आए मोदी जी सदन में? पहले तो मैं आपको एक 10 सेकंड संदर्भ दे दूं, अभी इनसे जब पूछा गया कि 15 मिनट राहुल जी मणिपुर पर क्यों नहीं बोले, तो बोले पूरे देश की चर्चा होनी चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव है, जब राजस्थान का सवाल पूछा तो आपको डांटने लगे कि राजस्थान की बात क्यों कर रही हो, यहां पर मणिपुर को देखो, मणिपुर को देखो, और मणिपुर में जो पैमाना ने सेट किया, मुझे बताइए ना 97 में
एक साल से अधिक वहां पर खूनी नंगा ना चलता रहा। मनमोहन सिंह तो छोड़ लीजिए, उस समय पर आई के गुजराल थे, यूएफ की गवर्नमेंट थी। देखिए मैं जो भी फैक्ट कह रहा हूँ, उन्होंने कहा रोहित जोशी पर केस हो गया, रोहित जोशी पर केस हो गया, ये कहने वाले लोग मुझे झूठ बता रहे हैं, झूठ बोलने वाला बता रहे हैं। एक सेकंड, झूठ कहाँ से है ये देखिए, ये देखिए मेरे समय पर वो बीच में बोले जा रहे हैं। प्राची जी, डिबेट का यही तरीका बाकी है कि एक आप अपने पास तथ्य नहीं है तो आप बीच में बोलते रहे। प्राची जी, अब आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा जब वो बार बार अपनी बात बोल रहे हैं। मैंने एक शब्द नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोलते ना वो, आपके पास आऊंगी, आप काम तो करिए, नोट कर लीजिए ना, एक शब्द नहीं बोला, आप बीच में बोले जा रहे हैं लगातार, डिबेट मुझे बोलने दीजिए। अरे ऐसा क्या बोल देंगे शहजाद जी जो आप आने नहीं देना चाहते। डिबेट का टाइम खराब कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके दर्शकों को भी समझ में आ रहा है। झूठ तो वो फैला रहे थे, ये वीडियो जो था जो कीर्ति आजाद ने ट्वीट किया मणिपुर का बताते हुए, म्यांमार का वीडियो था, ये झूठ फैलाना होता है। मैं जो 97, 92, 93 और 2011 का बोल रहा हूँ उसको अभी फैक्ट चेक कर लीजिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा, ये कह रहे रोहित जोशी पर एफआईआर हुई। बताइए एफआईआर कहाँ हुई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई, राजस्थान में? अरे आपकी खुद की विधायक बोल रही थी कि एफआईआर नहीं हुई, वो झूठी है। एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दीजिए शहजाद जी। इतने दिन अभी जो अविश्वास प्रस्ताव पर कल से चर्चा शुरू हुई, आपने कौन से नए तथ्य मणिपुर के बारे में बता दिए जो देश के सामने रखने जरूरी थे, या आपने विपक्ष के कितने सवालों के जवाब? मुझे केवल 30 सेकंड बिना हस्तक्षेप के इस सवाल पे दे दीजिए। आदरणीय किरण रिजिजू जी जो अरुणाचल से आते हैं और पहली बार इस सरकार में 4 से 5 मंत्री नॉर्थ ईस्ट से आते, उन्होंने बताया कि 9 वर्ष में मणिपुर तो 50-60 साल से इसका ग्रस्त रहा है। हमने कई प्रयास किए जिसमें डेवलपमेंट से लेकर वहां पर अकॉर्ड साइन करने का काम हमने किया पिछले 9 वर्ष में। हाँ ये घटना हुई है, 2022 तक वायलेंस खत्म हो गई थी, 23 में ये घटना हुई है, हम मानते ना जिम्मेदार है हम, इसलिए पार्लियामेंट में चर्चा कर रहे हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि इसकी जड़ में कोई आज की घटना नहीं है, ये 50 वर्ष पहले की घटना और हाईकोर्ट से ट्रिगर हुई। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये सारे सॉल्व करके क्यों नहीं गए, अगर ये इतना ही इजी मामला था, सोल्यूशन इतना ही इजी था, हालात खराब थे इसलिए जनता ने इनको नहीं चुना, आपको चुना। हाँ, इसीलिए 2022 तक करके एक केवल एक आपसे ईमानदारी से एक ही चीज मैं पूछ रहा हूँ, 22 तक का आंकड़ा इंडिया टीवी बता दे मणिपुर की हिंसा का कब कितना हुआ और वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या हुआ बताइए। जवाब जी, आप हालात इतने खराब करके गए थे कि उसे सुधारने में वक्त लगता है, 2022 से पहले कोई हिंसा नहीं हुई, ये शहजाद पूनावाला जी भी कह रहे हैं कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई, ये भी सामने आ चुका है। एकदम से जो आप सेना की बात आज राहुल गांधी जी कह रहे थे, वो तो वक्त भी सेना आप लोगों के हाथ में थी जब मणिपुर जलता रहता था। जब इन्हें राज्य मिला था तो शांत प्रिय मिला था कि नहीं मिला था? मिला था, नहीं नहीं मिला था, आपकी गलतफहमी है, नहीं मिला था, 9 वर्ष पहले जल रहा था मणिपुर। एक सेकंड मैं आपको आंकड़े दिखाता हूँ, सुनिए, एक सेकंड मैं आपको आंकड़े दिखाता हूँ, मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूँ, आंकड़े दिखा रहा हूँ ना माननीय, आंकड़े दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए जब सरकार मिली 772 हत्याएं, आज 122, जब इनकी सरकार मिली 4000 इंसर्जेंसी की घटना, बताइए मान्यवर क्या बोले जा रहे हैं आप? इनका 2011 में 123 दिन का बंद चला, इनका राज्यपाल कह रहा है कि यहाँ पे नरसंहार हो रहा है, किसी और आपके मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने क्या कहा, मंत्री ने बोला, आपके मंत्री ने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने क्या कहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने बोला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।